नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वर्जन। राजधानी भोपाल लापता गंज बन गया। जो आपको बता दें, इसके करोड़ बच्चे बरसों से लापता है जिनका अब तक पता नहीं है। आंकड़े चुकाने वाले हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर लड़कियां हैं और अब ऑपरेशन मुस्कान चलाकर इन बच्चों की तलाश की जा रही है। जो आपको बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। लापता बच्चे में अब से सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि इसके पीछे मानव तस्करी है। 14 साल से सैकड़ों बच्चे लापता। राजधानी भोपाल में 2007 से लेकर 2021 तक यानी कि 14 साल में सैकड़ों बच्चे लापता हुए। इनमें से अब तक 201 लापता बच्चों को चिन्हित किया गया। इन बच्चों में सबसे ज्यादा 148 लड़के शामिल है, जबकि लड़कों की संख्या सिर्फ 53 है। एडिशनल SP राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान इन बच्चों को ढूंढने के लिए लगातार जारी है। हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए। राजेश सिंह भदौरिया भी भोपाल के नोडल अधिकारी हैं। उनका कहना है कि 201 लापता बच्चों में से 131 बच्चे का सुराग मिल गया। इनमें से 18 बालक और 53 बालिका है। बाकी के बच्चे को भी जल्द ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने मानव तस्करी के एंगल से इनकार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि राजेश सिंह भदौरिया ने बच्चे के लापता होने के पीछे जो वजह बताई है, उसमें लव एंगल, काम की तलाश में बाहर जाने, दोस्तों के साथ घूमने और शादी जैसे कारण लापता होने वाले बच्चों की उम्र 15 से 17 साल है। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी। जय जय भारत।